महंगाई और बेरोजगारी पर जमात इस्लामी ने दीगर सियासी जमातों की तरह हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है। जमात इस्लामी ने पंजाब में शहर शहर और गली गली हुकूमत मुखालिफ जल्द से जुलूस करने का फैसला किया है। इस हवाले से मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे दीगर सियासी जमातों ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है अपोजिशन जमातों की जानिब से, इसी तरह जमात इस्लामी की जानिब से भी ये फैसला किया गया है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। जबकि इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज एक इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया था कि पंजाब की सतह पर ऐसे क्या क्या जलसे जुलूस और मार्चेस किए जाएं जो हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है और बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ रही है, ताकि हुकूमत को इस बात पर लाया जा सके कि महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया जा सके। इसी सिलसिले में जमात इस्लामी का एक अहम इजलास हुआ था और इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि शहर शहर गली गली पंजाब की हर जगह में ये कंपेन चलाई जाएगी, ये आगाही मुहिम चलाई जाएगी कि हुकूमत के खिलाफ जो लॉन्ग मार्चेस का या जो जल से जुलूसों के ऐलान का तायुन किया जाएगा उसमें भरपूर हिस्सा लिया जाए। इसी हवाले से जमाती इस्लामी पंजाब जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से की जाए। खुद आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।